ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ लेने के बाद इस वक्त नाज़रीन वापस आ रहे हैं। ये उनके गार्ड्स उनकी सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद है जिन्होंने इस वक्त गाड़ी को ढांप रखा है नाज़रीन खान साहब को। ये आपको सिक्योरिटी का मनाजिर दिखाएं, सिक्योरिटी देखें आप पुलिस अहलकारों के नौजवानों ने किस तरह से सिक्योरिटी का एक हसार बांधा है। और खान साहब इस वक्त चूँकि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी थे इस हवाले से पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और आज नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलने के बाद इस वक्त इमरान खान साहब रवाना हो रहे हैं, गाड़ी उनकी इस वक्त रवाना है नाज़रीन बनीकाला में। खान साहब मुकीम है वहाँ से आज यहाँ पर पेश हुए और अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नाज़रीन इस वक्त वापस खान साहब रवाना हो रहे हैं। जी नाज़रीन मनाज़िर इस वक्त आपके सामने हैं, खान साहब अपनी गाड़ी में इस वक्त रवाना हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रिलीफ लेने के बाद। हाई कोर्ट किसी भी जमानत बिरान गिरफ्तारी जारी हुए थे उस हवाले से खान साहब पेश हुए और नाज़रीन दोनों जानब से रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त ACP से इमरान खान को 2 अगस्त तक रिलीफ मिल चुका है जबकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन प्रोसीडिंग्स अभी उनके केसेस जो हैं वो काबिल समाअत करार दिए गए हैं तो उस हवाले से प्रोसीडिंग्स उनकी जारी हैं। ये नाज़रीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इमरान खान का, ये आप इस नाज़िर देख रहे हैं कि किस कॉल इस वक्त कैसे शख्स को दिया जा रहा है जिसको जिसके ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, उस मुकदमात का उन्हें सामना है और अब इस तरह के ज़बरदस्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में वो शख्स इस वक्त नाज़रीन वापस से रवाना हो रहा है। ECP में पेश हुआ वो शख्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ, अब FIA के हेड ऑफिस में अभी साइफर के मामले पर नाज़रीन तहकीकात के लिए आज पेश होगा।